ओके सो पेरिफेरल्स मेयर एग्जामिनेशन, पेरिफेरल्स मेयर और उसके बाद आरबीसी अब नॉर्मेलिटीज ऑन पेरिफेरल्स मेयर और लास्टली क्या है, लास्टली यही सब है अब नॉर्मेलिटी, फिर है क्लिनिकल केस डिस्कशंस खत्म। सबसे पहले पेरिफेरल्स मेयर, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टेकन ऑन अ ग्लास लाइट, ठीक है, ग्लास लाइट लेंगे, उस पर ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे। अनदर ग्लास स्लाइड इज यूज जो कि स्प्रेडर, इज पुट 30 to 45 डिग्रीज ऑन द फर्स्ट स्लाइड एंड इज ब्लड स्प्रेड आउट प्रोड्यूस अ टंग शेप्ड स्मेयर। सो टंग शेप्ड स्मेयर कैसा स्मेयर है, 30 to 45 डिग्री पर डाल के एक टंग शेप्ड स्मेयर बना रहे हैं। स्मेयर हैज थ्री पार्ट, हेड बॉडी एंड टेल, सो हेड बॉडी एंड टेल टंग शेप, ठीक है, कौन सा शेप है, टंग शेप है स्मेयर का। स्टेनिंग पेरिफेरल स्मेयर कैसे कर रहे हैं, रोमानोव्स्की स्टेन से, किस स्टेन से कर रहे हैं, रोमानोव्स्की स्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, रोमानोव्स्की स्टेन इज मोस्ट कॉमनली यूज। मोर कॉमन रोमानोव्स्की स्टेन से लीशमैन, जीजमा, जिम्सा, राइट एंड जेनर। सो क्या क्या है, लीशमैन, जीजमा और राइट एंड जेनर, ठीक है, लीशमैन, जीजमा और राइट एंड जेनर स्टेन। कंपोनेंट्स आ गया है मिथाइलिन ब्लू जो कि बेसिक डाई है और एओसिन वाई जो कि एसिडिक डाई है। सो दो कंपोनेंट्स हैं, मिथाइलिन ब्लू और एओसिन वाई। सो मिथाइलिन ब्लू क्या है, बेसिक डाई है और एओसिन वाई क्या है, एसिडिक कंपोनेंट है, बेसिक एसिड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कौन सा, रोमानोव्स्की स्टेन, जैसे कि लीशमैन, जीमसा और राइट स्टेन, राइट एंड जेनर, लीशमैन, जीमसा और राइट एंड स्टेन, राइट एंड जेनर, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या है मिथिलिन ब्लू, सुपरा वाइटल स्टेन जो कि पिछले भी हम लोग पढ़े, आरएनए को स्टेन करता है, रेटिकुलर साइट्स को, आरएनए का क्रोम वो जो है राइबोसोमल आरएनए उसके वो को करता है। सुपरा वाइटल स्टेन में होगा ब्रिलियंट सेल ब्लू और न्यू मिथाइलिन ब्लू, न्यू मिथाइलिन ब्लू इज द बेस्ट, ठीक है। नॉर्मल पेरिफेरल्स में दिख रहा है अपने को आरबीसी है, न्यूट्रोफिल है और प्लेटलेट है, ठीक है, प्लेटलेट बहुत छोटा छोटा ऐसा दिख रहा है और आरबीसी तो बहुत अच्छे से दिख रहा है अपने को भाई कनकेव। सो आरबीसी आर स्मॉल सेल्स विद पैलर इन सेंट्रल 1/3 इसको कहते हैं और साइज ऑफ आरबीसी होता है 7 to 8 माइक्रोमीटर और साइज ऑफ आरबीसी किसके कंपेरिजन होता है, न्यूक्लियस ऑफ लिम्फोसाइट। सो न्यूक्लियस ऑफ अ लिम्फोसाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ टोटल आरबीसी, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस ही आरबीसी का साइज होता है जो कि 7 से 8 माइक्रोन है, इफ स्मॉलर माइक्रोसाइटिक एंड लार्जर मैक्रोसाइटिक। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी पर आते हैं तो लिम्फोसाइट्स अपन ने डिस्कस किया अभी जस्ट, मोनोसाइट्स तो सिंपल है, बिग सेल विद किडनी शेप न्यूक्लियर और एओसिनोफिल कैसा है, बिग ब्रिक रेड ग्रैन्यूल्स, सो रेड ग्रैन्यूल्स होगा तो एओसिनोफिल्स इंपॉर्टेंट है, एओसिनोफिल्स। फिर बेसोफिल्स आ गए, बेसोफिल्स में क्या है, पर्पलिश ग्रैन्यूल्स ऑब्सक्योर द एंटायर न्यूक्लियस। फिर एओसिनोफिल्स में क्या होगा, ब्रिक रेड ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, बायलोब न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन द एलर्जिक रिएक्शन, ब्रिक रेड ग्रैन्यूल्स हो गया एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स हो गया पर्पलिश ग्रैन्यूल्स ऑब्सक्योर द एंटायर न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट्स हो गया नो ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, लिम्फोसाइट्स हो गया नो ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या हो गया, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, एओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। सो बेसोफिल्स कैसा दिख रहा है, पर्पलिश ग्रैन्यूल्स और एओसिनोफिल कैसा दिख रहा है, ब्रिक रेड ग्रैन्यूल्स, ठीक है, एओसिनोफिल में ब्रिक रेड ग्रैन्यूल्स दिखेगा विद साइटोप्लाज्म, बायलोब न्यूक्लियस इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, मोनोसाइट्स आर बिग सेल्स विद किडनी शेप न्यूक्लियस, नो ग्रैन्यूल्स, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है मोनोसाइट के। फिर आते हैं लिम्फोसाइट्स पे, लिम्फोसाइट्स में भी नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, लिम्फोसाइट्स में भी नो ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। फिर आते हैं न्यूट्रोफिल्स पे, 3 to 5 लोब्ड होता है न्यूट्रोफिल्स, फ्यू स्मॉल ग्रैन्यूल्स में साइटोप्लाज्म होता है, छोटा छोटा ग्रैन्यूल होता है साइटोप्लाज्म में, 2 लोब होता है, स्यूडो पेलर ह्यूइट सेल्स सीन इन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। सो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या रहता है न्यूट्रोफिल्स में, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या दिखता है, स्यूडो
पेल्गर हुएट सेल्स, सीडो पेल्गर हुएट सेल्स। दो लोब्स दिखता है, फ्यू स्मॉल ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म, टू लोब्स, और न्यूट्रोफिल्स में 2-3 से 4 न्यूट्रोफिल्स में होता है 3 से 5 लोब्स, फ्यू स्मॉल ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म, दो लोब्स होता है, और क्या होता है, स्यूडो पेल्वियर हुएट सेल्स सीन इन द माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, मोर देन 5 लोब्स तो फिर हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल सीन इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, वाइटामिन बी 12 डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, इसमें क्या होता है, मोर देन 5 लोब्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। और बेसोफिल्स में क्या हो गया, पर्पलिश ग्रैनुल्स ऑब्स्क्योर द एंटायर न्यूक्लियस। सो एसएनएफिल्स में क्या हो गया, ब्रिक रेड ग्रैनुल्स, और बेसोफिल्स में क्या हो गया, पर्पलिश ग्रैनुल्स ऑब्स्क्योर द एंटायर न्यूक्लियस। सो बेसोफिल्स में पूरा पूरा न्यूक्लियस पर्पलिश ग्रैनुल्स, एसएनएफिल्स में ब्रिक रेड ग्रैनुल्स, मोनोसाइट्स में किडनी शेप्ड सेल, ब्रिक सेल, लिम्फोसाइट्स में ग्रैनुल नहीं दिखेगा, ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स में ग्रैनुल साइटोप्लाज्म में है, बस न्यूक्लियस दिखेगा, और प्लेटलेट्स तो छोटा छोटा एकदम दिखेगा ही हमेशा, और लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस ही आरबीसी का साइज है। सो अपन देख सकते हैं लिम्फोसाइट यहाँ पे, इसमें एक ब्राउन हल्का सा ब्लू दिख रहा होगा। सो बेसिकली जो ब्लू पार्ट है न्यूक्लियस, वो एक आरबीसी के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर मोनोसाइट से उसमें क्या है, मोनोसाइट से बेसिकली बिग सेल विद किडनी शेप न्यूक्लियस हो रखा है, और नो ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। फिर न्यूट्रोफिल्स में 3 से 5 लोब, फ्यू स्मॉल ग्रैनुल्स इन द साइटोप्लाज्म, ओके, 2 से 2 लोब्स और 5 से ज़्यादा लोब्स, तो क्या 3 से 5 लोब्स नॉर्मल है ये। और घटिया केसेस में हो गया 2 चीज़ें, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में हो गया 2 लोब्स, यानी कि 3 होता है ना नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है 3 लोब। सो अगर 2 लोब है यानी कि कम है, ठीक है, तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और मोर देन 5 लोब है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और मोर देन 2-5 लोब्स हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो 2 लोब्स और मोर देन 5 लोब्स, 3 से 5 में एक कम है तो यानी 2 लोब हो गया। तो उस टाइम में क्या रखा है, अगर 3 से 5 में कम है तो यानी कि 2 लोब है तो क्या होगा, माइनर डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और अगर 5 से ज़्यादा है तो क्या हो गया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, और उसको कह रहे हैं अपन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता है वो, ठीक है। सो 2 केसेस में न्यूट्रोफिल्स का लफड़ा है, तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लिया तो है, मतलब 2 से 5 सेगमेंट्स होते हैं, बट अगर सॉरी 3 से 5 सेगमेंट्स होते हैं, बट अगर 3 से कम है तो उसको कहते हैं यानी कि 2 लोब्स, उसको कहते हैं माइनर डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम होता है वो। अगर 5 से ज़्यादा है सो वो इज वर्दार से केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, राइट, या फिर विटामिन B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो 5 से ज़्यादा लोग और 2 लोग यानी कि 3 से कम, तो ये जो दो है ये दोनों केसेस हैं, राइट, दीज आर बोथ आर केसेस, ओके। ये लफड़े हो गए इधर है ना न्यूट्रोफिल के, नॉर्मली 3 से 5 लोग से, राइट, सो दैट्स इट अबाउट न्यूट्रोफिल्स, 3 से 5 लोग होते हैं, तो 3 से कम यानी कि 2 लोग से तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और अगर 5 से ज़्यादा लोग से तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लिम्फोसाइट्स में ग्रैनुल नहीं दिखता साइटोप्लाज्म में, मोनोसाइट्स आर बिग सेल विद किडनी शेप न्यूक्लियस, नो ग्रैनुल्स इन साइटोप्लाज्म। फिर एओसिनोफिल्स हो गया ब्रिक रेड ग्रैनुल्स, और बेसोफिल्स क्या हो गया, पर्पलिश ग्रैनुल्स, बेसोफिल्स हो गया पर्पलिश ग्रैनुल्स ऑब्स्क्योर द एंटायर न्यूक्लियस, ओके।
ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीसी अब नॉर्मेलिटीज एंड पेरिफेरल्स में, आरबीसी अब नॉर्मेलिटीज एंड पेरिफेरल्स, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक स्मॉल आरबीसीज विद लेस देन 1/3 ऑफ द सेंट्रल पैलर। तो सेंट्रल पैलर कम हो गया, एक तिहाई से कम। सेंट्रल पैलर वॉज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, यहाँ पे सेंट्रल पैलर छोटा हो गया। स्मॉल आरबीसीज विद लेस देन ग्रेटर देन ओ सॉरी खोखला ज़्यादा हो गया, वो रंग होता है ना पिंक कलर का, वो और कम हो गया। तो पैलर जो 1/3 होता है सेंट्रल, वो बढ़ जाएगा, मोर देन 1/3 सेंट्रल पैलर। ओके, स्मॉल आर बी सीज क्योंकि माइक्रोसिटिक लिख रखा है, ओके, मोर देन 1/3 सेंट्रल पैलर। सीटा हो एग्जाम्पल, सीट्रोब्लास्टिक में थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज। नॉर्मोसाइटिक में क्या था, हारा, हारा में क्या था, हीमोलाइटिक एनीमिया, बाकी के बचे हुए ऐसा था, ऐसा था ए प्लास्टिक एनीमिया, हार से था रीनल डिजीज, रीनल एनीमिया, और ए से फिर से था, आई थिंक फिर से क्या था, क्या फिर से था, ए से एनीमिया था क्रॉनिक डिजीज, ठीक है। और लास्ट में आ गया लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एल एच एम, एलएचएमसी, उसका क्या था, लिवर डिजीज, और फिर क्या था एच एम, और एम से क्या था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और ए से क्या था, और सी से क्या था, सी से था एच से था हाइपोथायरॉयडिज्म, एच से था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और सी से था, सी से भी कुछ था फॉरवर्ड लैट। एनीवेज, सो मोनोसाइट से ब्रिक सेल्स विद किडनी शेप सेल्स, ओके, और सीटा में ये मोर देन 1/3 सेंट्रल पैलर हो जाएगा, आरबीसी छोटे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सीट्रोब्लास्टिक एनीमिया मैंने ब्लड पॉइजन, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। द इमेज शोज एनिसोसाइटोसिस, एनिसोसाइटोसिस मतलब, और पोइकिलोसाइटोसिस, सो पोई पोई मतलब होता है शेप ऑफ द गर्ल, ओके, और पोई पोई, और गर्ल्स हैव द शेप नो, पोई पोई शेप, ओके। नाइसोसाइटोसिस में क्या होता है, साइज, ओके, साइज में डिफरेंसेस, सो द इमेज शोज अ नाइसोसाइटोसिस, मतलब शेप, शेप एंड साइज, साइज कहने चाह रहे यहाँ पे, नाइसोसाइटोसिस तो साइज अप एंड डाउन हो सकता है, कोई ज़्यादा कोई कम कोई नॉर्मल। एंड पेंसिल सेल, सो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेंसिल सेल, हाई आर डी डब्ल्यू है, आर डी डब्ल्यू का पता है आपने, वो क्या था, वो था रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट मेजर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन थैलेसीमिया एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प होता है। सो हाई होता है यहाँ पे आर डी डब्ल्यू, ओके, बट ये भी है कि यहाँ पे थैलेसीमिया में आई थिंक ऐसा है ना कुछ नॉर्मल होता है, आर डी डब्ल्यू थैलेसीमिया में नॉर्मल होता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में तो बढ़ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आर डी डब्ल्यू ही से रेस्ट, ठीक है, थैलेसीमिया में नॉर्मल होता है, राइट। सो वही कह रहा हाई आर डी डब्ल्यू, तो इसका मतलब आयरन से, बट थैलेसीमिया में आर डी डब्ल्यू नॉर्मल रहता है, ठीक है, हाई आर डी डब्ल्यू, बट आर डी डब्ल्यू इज नॉर्मल फॉर आयरन डेफिशिएंसी, सॉरी आयरन डेफिशिएंसी नहीं, थैलेसीमिया में, आयरन थैलेसीमिया में नॉर्मल रहता है, आयरन डेफिशिएंसी में बढ़ जाता है, आर डी डब्ल्यू इज नॉर्मल फॉर थैलेसीमिया, ठीक है ना, देख लेना इसको एक बार याद रखना, ऐसे आर डी डब्ल्यू नॉर्मली बढ़ता है। आगे चलते हैं, मैक्रोसिटिक यानी कि साइज बढ़ा हुआ है, तो इसमें अगेन एल एच एम सी है, लिवर, मेगालोब्लास्टिक, हाइपोथायरॉयडिज्म, और सी से क्या था, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ओके, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, मेगालोब्लास्टिक नहीं होगा, वाइटामिन बी ट्वेल्व या फिर फोलेट का डेफिशिएंसी। फिर आते हैं पेंसिल सेल्स पे, इसमें क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है,
तो पेंसिल सेल्स दिखते हैं आइडेंटिफिकेशन से नहीं। फिर आता है बाइट सेल्स। बाइट सेल्स कहाँ दिखते हैं? G6PD डिफिशियंसी में। सो ये वाला देख लेंगे एक बार, आयरन डिफिशियंसी या एनीमिया में क्या दिखता है? पेंसिल सेल्स। सो पेंसिल सेल का सीन पेंसिल सेल्स कहाँ मिलते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और वाइट सेल्स कहाँ मिलते हैं? G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, आगे चलते हैं स्फेरोसाइट्स। स्फेरोसाइट्स में हो गया क्या? स्मॉल सेल्स। स्फेरोसाइट्स हो गए स्मॉल सेल्स। पेंसिल सेल्स कहाँ मिलते हैं? आयरन डिविजन एरिया में। आयरन डिविजन एरिया में RDW बढ़ा रहता है बिकॉज इट इज अ मार्कर ऑफ अनिसो पोइकिलोसाइटोसिस, अनिसोसाइटोसिस के लिए। तो माइक्रोसाइटिक में ऑब्वियसली हाई RDW होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज वेरिएशन होगा। और पेंसिल सेल्स में देगा आयरन डिविजन एरिया में। ठीक है, एज यूजुअल एवरेज। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे आते हैं बाइट सेल्स पे। बाइट सेल्स में फिर क्या है? G6PD डेफिशिएंसी है। और पेंसिल सेल्स में आयरन डेफिशिएंसी है। सो पेंसिल सेल्स हो गया और बाइट सेल्स हो गया। आगे आते हैं स्फेरोसाइट्स। स्फेरोसाइट्स आर स्मॉल सेल्स स्फेरिकल विद नो सेंट्रल पैलर। ये स्मॉल सेल्स है स्फेरिकल, इसमें सेंट्रल पैलर नहीं है, भर भर के बहन चो हीमोग्लोबिन है। और इसको क्या कहते हैं? हाइपर हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको। हाइड्रेटेड स्फेरोसाइटोसिस है, इसमें रेज्ड MCH होता है। ठीक है ना। तो स्फेरोसाइट्स का मतलब क्या है? MCH बहुत हाई है। ओके, हीमोग्लोबिन भर भर के, स्मॉल सेल्स फेकल, नो सेंट्रल पैलर, इसका मतलब हाई हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका मतलब और क्या हो गया? MCH जो है वेरी हाई। हीमोग्लोबिन हाई है, MCH हाई है। सो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस अपन ने पढ़ रखा है, हेरोडोसाइटोसिस पहले भी पढ़ रखा है, तो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस होगा। फिर आते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में होता है, मोस्ट कॉमन कॉज। और फिर हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बर्ड्स। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक रिएक्शन के बाद हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बर्ड्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बर्ड्स में भी होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर, तो सेल का जो सेंट्रल पैलर है वो ख़त्म हो जाता है, पूरा पूरा रंगी रंगी रंग रंग होता है, रंगा रंगा रोज। ओके, तो स्फेरोसाइट्स कहाँ दिखते हैं? हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ऑटो इम्यून। सो स्फेरोसाइट्स का पहले डेफिनेशन याद रखना हमेशा, क्योंकि स्फेरोसाइट्स थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगे स्फेरोसाइट्स क्या, स्फेरो तो होता ही है सारा किसी, और ये स्फेरोसाइट्स वो वाला स्फेरोसाइट नहीं है, थोड़ा एक्चुअल टर्म है, प्रॉपर एक चीज़ है, इट्स अ थिंग, डोंट गो जस्ट बाई ग्रामर। ओके, तो याद कर लो क्या है स्फेरोसाइट्स। स्फेरोसाइट्स है क्या है जो है ना, यू मस्ट नो दैट। तो स्फेरोसाइट्स में क्या हो गया? स्मॉल सेल्स है। ठीक है, स्मॉल सेल्स विद नो सेंट्रल पैलर। ओके, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत हाई है, MCH बहुत हाई है, सेंट्रल पैलर है ही नहीं, वन थर्ड वाला वो। ठीक है ना। आते हैं क्या क्या कारण पे हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है पहला, और G6PD डेफिशिएंसी है, G6 प्रोटोटाइप है जो फॉर बाइट सेल्स थे, राइट। सो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, और क्या हो गया? ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, और क्या हो गया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बर्न्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। हालांकि मेन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस है। ठीक है, और बर्न्स भी है।
तो दैट्स इट अबाउट इट. ओके, ये हो गया स्फीयर साइज. हेडेटरीसाइटोसिस के बाद हो गया ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, और क्या हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस के बाद बर्न्स. और कूम्स टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो अईहा होता है, और ऑस्मोटिक फ्रेजिलाइटिस होता है स्फीरोसाइटोसिस. ठीक है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कराते हैं स्फीरोसाइटोसिस के लिए, और कूम्स पॉजिटिव होता है अईहा. ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक टेस्ट एंड हीमोलाइटिक एनीमिया इज कूम्स पॉजिटिव, याद रख लेना इसको भी. कूम्ब पॉजिटिव ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया. और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हो स्फीरोसाइटोसिस के लिए. चलो नेक्स्ट, बर्ड सेल्स, इकोनोसाइट्स और स्पर सेल्स. ठीक है, ये सब कैसे बर्ड सेल्स और इकोनोसाइट्स में अंतर कैसे होता है ये बहुत मुश्किल लगता है. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन चलते जाएंगे. तो सबसे पहले क्या था, बाइट सेल्स था ना. बाइट सेल्स के बाद क्या था, बाइट सेल्स था और क्या था, बाइट सेल्स, पेंसिल सेल्स. तो पेंसिल सेल्स कहाँ मिलते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में. बाइट सेल्स ये कहाँ मिलते हैं, बाइट सेल्स होता है जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी से. फिर आते हैं स्फीरोसाइट्स में, इसमें क्या क्या हो गया, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस और आईहा, ऑटोइम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और बर्न्स. तो ये था स्फीरोसाइटोसिस, पेंसिल, पेंसिल सेल्स, वाइट सेल्स, स्फीरोसाइटोसिस, सेरोसाइट्स, और फिर आ गया इक्विनोसाइट्स और एकंथोसाइट्स. सो बर्ड सेल्स को कहते हैं इकाइनोसाइट्स, और स्पर सेल्स को कहते हैं एकंथोसाइट्स. ये हो गया ब्लंट प्रोजेक्शंस, आरबीसी विद ब्लंट प्रोजेक्शन. इसमें हो गया ब्लंट प्रोजेक्शन, किसमें मिलता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर. ठीक है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, और क्या हो गया, यूरिमिया. और क्या हो गया, लिवर डिजीज. इसमें हो गया एकाइनोसाइट्स. बर्ड सेल्स, ठीक है, बर्ड सेल्स मिलता है. ठीक है, तो पेंसिल सेल्स, बाइट सेल्स, बर्ड सेल्स. बर्ड सेल्स में होगा एकाइनोसाइट्स. ओके, फिर आते हैं अपन स्पर सेल्स. स्पर सेल्स को ही कहते हैं एकेंथोसाइट्स. इसमें होता है शार्प प्रोजेक्शंस. किसमें, इसमें किसमें होता है, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया.
ए बीटा लाइपोप्रोटीन हो गया। और फिर हो गया सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया में मिलता है। और क्या हो गया टारगेट सेल्स या फिर कोडोसाइट्स। टारगेट सेल्स अगर कोडोसाइट लुक्स लाइक अ टारगेट। ये थैलेसीमिया मिलता है टी फॉर टारगेट, टी फॉर थैलेसीमिया वेरी इजी मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा लीवर डिजीज में मिलता है और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में भी। फिर आते हैं सिस्टियोसाइट्स या फिर हेलमेट सेल्स। ओके ये होता है महा में माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। और एनीमिया में जैसे कि एच यू एस जी टी पी डी आई सी, डी आई सी का फुल फॉर्म क्या था, कोएगुलेशन था ना कुछ, प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल से मिलता है सिस्टोसाइट्स। मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन ऑफ आरबीसी से मिलता है हिस्टोसाइट्स। ठीक है हिस्टोसाइट्स, हेलमेट सेल्स, टारगेट सेल्स तो बहुत ईजी है, सिकल सेल भी बहुत ईजी है, थोड़ा बर सेल्स हो गया अलग हल्का सा, थोड़ा सा इधर ही है स्पर सेल्स देख लो, अकैंथोसाइट्स। अकैंथोसाइट्स ऐसे किसमें मिलता है, ए बीटा लाइपोप्रोटीन में। टीयर ड्रॉप या फिर डैक्रोसाइट कहाँ मिल रहा था, ए प्लास्टिक एनीमिया के वाले में, माइलोप्थिसिक एनीमिया में। ठीक है माइलोप्थिसिक एनीमिया में। फिर ऑयल जॉली कहाँ मिल रहा है, एस्प्लीनिया में, मेलाब्लास्टिक एनीमिया में और थैलेसीमिया में। थैलेसीमिया में टारगेट सेल्स और ऑयल जॉली मिल रहा है। ठीक है सो कैबोट्रिंग। अच्छा इसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ा सा और फिर खत्म। बेसोफिलिक स्टिपलिंग इंपॉर्टेंट है, साउंड लिख लेते अपन। अब आते सिस्टियोसाइट्स, आगे नेक्स्ट पे सिस्टियोसाइट्स, इसको कहते हैं हेलमेट सेल्स। इसमें क्या क्या हो गया, फ्रैगमेंटेड रेड सेल। ठीक है क्या पहले वो याद कर लेते हैं, फ्रैगमेंटेड रेड सेल है। ठीक है ना, एक रेड सेल का भाग ही है, टूट गया। ओके कहाँ कहाँ मिलता है, महा में माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया। फिर क्या हो गया एनीमिया जैसे कि एच यू एस और टी टी पी और डी आई सी। फिर आ गया प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्स और मैकेनिकल डिसरप्शन ऑफ आरबीसी। प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्व और फिर हो गया मैकेनिकल डिसरप्शन ऑफ आरबीसी। सिस्टियोसाइट्स के बाद हो गया टीयर ड्रॉप सेल्स या फिर डैक्रोसाइट्स, टीयर ड्रॉप सेल्स या फिर डैक्रोसाइट्स। इसमें क्या हो गया माइलोप्थिसिक एनीमिया और क्या हो गया माइलोफाइब्रोसिस, माइलो
फाइब्रोसिस, और क्या होगा माइलोफैसिक अनीमिया, और क्या होगा माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसी नीचे आगे चलते हैं। फिर आते हैं हाइंस बॉडीज डी सीन इन द न्यू मिथाइल एम्ब्लोस्टेन डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन 6 पीटी डेफिशिएंसी। हाइंस बॉडी कहाँ कहाँ मिलता है? जी सिक्स पीटी डेफिशिएंसी हाइंस बॉडी दिखता कैसा है? सीन ऑन न्यू मिथाइल एम्ब्लोस्टेन डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन न्यू मिथाइल एम्ब्लोबिन मिलता है डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन मिलता है। ठीक है, हाइंस बॉडी। फिर आते हैं हवेल जेली में, और जिस पेट में एक और क्या चीज़ मिल रहा था? बाइट सेल्स। ठीक है, बाइट सेल्स मिल रहा था। हाइंस बॉडी में मिल रहा था। आगे आते हैं हावेल जोली बॉडी, हावेल जोली बॉडी, इट इज अ रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस का रेमिनेंट। ठीक है, रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसमें क्या हो गया? एस्प्लेनिया, और क्या हो गया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और क्या हो गया? थैलेसीमिया, एस्प्लेनिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। फिर आते हैं पैपेनहाइमर बॉडी, इसमें होगा क्या? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, पैपेनहाइमर बॉडी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, आइलेट लेड टॉक्सिसिटी है ना। फिर आते हैं कैबोट रिंग, इसमें क्या हो गया? एट रिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्ड बाय माइक्रोटिब्यूल्स। ठीक है, सो कैबोट रिंग आर फॉर्म्ड बाय माइक्रोटिब्यूल्स, एट रिंग कॉन्फ़िगरेशन, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। मेगालोब्लास्टिक में और थैलेसीमिया, कैबोट रिंग हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया में। पैपेनहाइमर बॉडी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, हाइंस बॉडी, जी सिक्स पीटी डेफिशिएंसी में, किसमें दिखता है? न्यू मिथाइल एम्ब्लोबिन, बाकी सब नॉर्मल रोमानोव्स्की जीन्स हैं।
राइट एंड जींस और जींस आर लीशमैन राइट एंड जिगर कैबोट रिंग फिगर ऑफ एट रिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन बी12 या फोलेट डेफिशिएंसी या फिर थैलेसीमिया। ये हो गया कैबोट रिंग। पेपे लाइबर बॉडी कंपोज ऑफ आयरन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हॉवेल जॉली बॉडी एस्प्लीनिया ड्यू टू इन्फेक्टिव एरिथ्रोपोसिस। इनफेक्टिव एरिथ्रोपोसिस में रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एरिथ्रोपोसिस नहीं हो पा रहा तो न्यूक्लियस बचा रह जाता है, हटता नहीं, ठीक है। तो उसको कहते हैं हवेल जाली बॉडी। पेपे लाइबर बॉडी बेसिकली आयरन का रिमेनिंग है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया लेड टॉक्सिसिटी में। कैबोट रिंग भी बेसिकली एक एट रिंग कन्फिग्रेशन है, माइक्रोटिब्यूल से बनता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया थैलेसीमिया। और मेगालोब्लास्टिक और थैलेसीमिया में ही हवेल जाली भी है। और थैलेसीमिया में एक और क्या चीज़ था, टारगेट सेल T4 थैलेसीमिया T4 टारगेट सेल एयर ड्रॉप सेल या फिर डैक्रोसाइट्स कहाँ मिल रहा था, माइलोफिसिक एनीमिया में, ठीक है। सिकल सेल में स्पर सेल या फिर एकैंथोसाइट्स मिल रहा था ए बीटा लाइकोप्रोटीन में, A4 एकैंथो A4 A बीटा। बर्ड सेल्स हो गया ब्लंट प्रोजेक्शंस और SS बर्ड SS शार्प, B for blur B for bird और SS बर्ड SS शार्प, ठीक है। बर्ड सेल या फिर इकाइनोसाइट्स क्रॉनिक लिवर डिजीज, क्रॉनिक रेनल फेलियर, यूरेमिया। तो बर सेल्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्पर सेल्स आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट। ए बीटा लाइकोप्रोटीन में टारगेट सेल्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। थैलेसीमिया बाकी आयरन डेफिशिएंसी मिल जाएगा। मेन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया इज देयर इन द कैबोट रिंग और सो ऑल मोर ऑल इन द बॉडी। कैबोट रिंग और हॉल जाली बॉडी में दोनों में मिलता है, दोनों में दोनों मिलता है, हॉल जाली बॉडी और कैबोट रिंग, ठीक है। किसमें मिल रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया। कैबोट रिंग बहुत बड़ा सा एक माइक्रोटिब्यूल्स का अरेंज है, एट रिंग कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। बस इतना अभी इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है कैबोट रिंग के बारे में। और पेपे लाइबर बॉडी इज नथिंग बट सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में मिलता है आयरन का मल्टीपल कंपोज ऑफ आयरन। और एस्प्लीनिया में मिलता है हवेल जाली बॉडी, हवेल जाली बॉडी, ठीक है। अब आते हैं रूल ऑफ फॉर्मेशन, स्टैक ऑफ कोइन्फ्लेशन, हाई SR या ब्लड विस्कोसिटी में मिलता है, स्टैक ऑफ मल्टीपल माइलोमा में मिलता है रूल ऑफ फॉर्मेशन, वेरी इजी। और उसमें शायद आई थिंक प्लाज्मा सेल्स मिलता है बोन मैरो में, है ना, मल्टीपल माइलोमा के एनिमल्स। सो मल्टीपल माइलोमा में रूल ऑफ फॉर्मेशन हो गया। अब आते हैं पॉलीक्रोमासिया। पॉलीक्रोमासिया 5 205 देखिए लेते क्या है। ओके 205 में कुछ तो है अभी मेरे समझ में, हाँ रेटिकुलोसाइट ऑन पेरिफेरल पॉलीक्रोमेसिया पिंकिश ब्लू ही ऑन पेरिफेरल स्मेयर इज यूजुअली आर रेटिकुलोसाइट। ओके सो मतलब रंग ज़्यादा है, ठीक है ना, अलग अलग रंग, नाइदर पिंक नॉर पर्पल, दो रंग दोनों में से कुछ भी। सो ये रेटिकुलोसाइट्स का डिफिनेट मार्कर है पॉलीक्रोमेसिया, दो रंग में रंग बदलू। रेटिकुलोसाइट फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता ना, हल्का सा ब्लू ह्यू दिखता है एक पिंक सेल में, तो दैट्स व्हाई सो क्लियर है कि एक नायर पिंक नॉर पर्पल। और हीमोलाइटिक एनीमिया जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ता है, ठीक है। सो रेटिकुलोसाइट्स या रेटिकुलोसाइटोसिस कहाँ का होता है बताओ, हीमोलाइटिक एनीमिया में क्रॉनिक और अक्यूट ब्लड लॉस में। और एक और तीसरा क्या था, ट्रीटमेंट करेंगे अगर B12 या विटामिन का डेफिशिएंसी का तो उसमें भी हो सकता है। अब आते हैं बेसोफिलिक स्टिपलिंग पे, इसमें क्या होता है ब्लूइश कलर डॉट्स होते हैं, दो टाइप के फाइन कलर
डॉट्स और कोर्स डॉट्स, फाइन डॉट्स सीन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया। फाइन डॉट्स आर सीन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया, और कोर्स डॉट्स आर सीन इन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। फाइन डॉट्स आर सीन इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड थैलेसीमिया, और कोर्स आर सीन इन सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। सो मेगालोब्लास्टिक किस टाइप का एनीमिया है? LHMC, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मैक्रोसाइट। सो दैट्स मेगालोब्लास्टिक बेसिकली मैक्रोसाइट है। नॉर्मोसाइट में हारा था। सो LHMC में क्या क्या था? लीवर डिजीज, एच था हाइपोथायरॉयडिज्म, एम से था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और सी से था साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कैसे करा रहे हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। एनीवेज, सो बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ब्लूश कलर डॉट्स मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ? दो टाइप के हैं, फाइन और कोर्स। कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? आयरन डेफिशिएंसी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में, थैलेसीमिया में, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। और सो ये फाइन वाले जो है स्टिपलिंग वो दिख रहे हैं मेगालोब्लास्टिक और थैलेसीमिया में, और कोर्स वाले जो है वो दिख रहे हैं सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में, ठीक है। अब आते हैं स्टोमेटोसाइट्स में। इसमें क्या है? स्लिट लाइक स्पेस इन RBC। स्टोमेटोसाइट होगा स्लिट लाइक स्पेस इन RBC, इसको कहते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में दिखता है। एक और चीज क्या दिख रहा था? कुछ तो बढ़ रहा था इसमें। कौन सी चीज इसमें बढ़ रहा था? या हीमोग्लोबिन बढ़ रहा था। सेंट्रल पायर नहीं दिखता, तो स्फेरोसाइट्स दिखता है, ठीक है। स्फेरोसाइट्स आर वेरी कॉमन इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, सॉरी हेरिडिटरी स्फेरोसाइट, यहाँ पे हेरिडिटरी स्टोमाटाइटिस है, ठीक है। यहाँ पे है हेरिडिटरी स्टोमासाइटोस, हेरिडिटरी स्टोमाटो है ना। सो स्टोमाटोसाइटोसिस। अब आते हैं WBC चेंजेज में। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, 5 से ज़्यादा लोग नहीं हो रहे हैं, और दो लोग किसमें होता है? माइल किसमें होता था? माइल ऑफ दो लोग होता है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, और पांच से ज़्यादा लोग होता है मेगालोब्लास्टिक ड्यू टू B12 या फिर फोलेट डेफिशिएंसी। अब आते हैं बाइलोब न्यूट्रोफिल्स या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। एग्जैक्टली टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स और डोले बॉडीज आर बेसिकली पैचेस ऑफ डायलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेप्सिस में होता है। डोले बॉडीज आर बेसिकली पैचेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीन इन द व्हाट सीन द सीन इन द सीन इन द सेप्सिस। टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स पे आते हैं न्यूट्रोफिल्स विद कोर्स ग्रेन्यूल्स सेपरेट न्यूक्लिएट, सेप्सिस में भी ये मिलता है। टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, न्यूट्रोफिल और कोर्स ग्रेन्यूल्स। सो इन्फेक्शंस में आते हैं माइक्रोफिलेरिया, ऐसा दिखता है। मलेरिया में रिंग वॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ऐसा तो दिखता है। और डर्मेटोसाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। सो ये हो गया रिंग वॉर्म, बीच में एक छोटा सा डॉट है, और डर्मेटोसाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। सो ये सब स्मेयर है। तो स्मेयर में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं? एक तो मलेरिया और एक माइक्रोफिलेरिया इन्फेक्शंस, ठीक है ना। मलेरिया और माइक्रोफिलेरिया WBC में देख सकते हैं, आई थिंक ओके। और कोई डिजीज इन्फेक्शियस जो कि हम लोग देख सकें स्मेयर में? और तो इधर इन्फेक्शियस में तो यही था माइक्रोफिलेरिया। That's it. I think we've done that much. आगे चलते हैं क्लिनिकल केस डिस्कशन। 17-year-old male presented with fatigue. Anemia, hemoglobin is less. MCV normal, microcytic है. MCH is 20. तो microcytic and microchromic. Hence MCH is also below. Okay, common sense. RBC count little less. WBC okay.
आगे चलते हैं इम्प्रेशन. सो PLC इज 3.5 लाख. सो नॉर्मोसेटिक नहीं माइक्रोसेटिक माइक्रोक्रोमिक तो है ओके. और फोटो में देखा जाए तो क्या माइक्रोसेटिक माइक्रोक्रोमिक तो है बट WBC और प्लेटलेट का नॉर्मल है. सो इम्प्रेशन आयरन डेफिशिएंसी नहीं है. इसको कंफर्म कैसे करेंगे आयरन प्रोफाइल से, सीरम आयरन, सीरम फेरिटिन, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वगैरह से. स्टार्ट ऑन आयरन थेरेपी, मॉनिटर ट्रीटमेंट बाय रेटिकुलोसाइट काउंट. ओके, 15 ईयर ओल्ड मेल विद हिस्ट्री ऑफ वीकनेस सिंस फ्यू मंथ्स, हीमोग्लोबिन लेस है ठीक है, MCV इज हाई, तो मैक्रोसिटिक हो गया थोड़ा सा. ओके, रेटिकुलोसाइट काउंट इज लेस देन 1%. WBC है 1000, सो WBC कम है. प्लेटलेट काउंट है कम, 1.5 लाख होते हैं ना नॉर्मल से, और हीमोग्लोबिन तो कम है ही. सो रेटिकुलोसाइट काउंट लेस देन 1% है ठीक है. सो MCV इज हाई, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इज हाई. सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो है शायद हाँ. और मैक्रोसिटिक में क्या क्या आता है, लिवर डिज LHMC, लिवर डिजीज, क्या आता है लिवर डिजीज, एच से आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और एम से आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और सी से आता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स. सो इवेलुएट द कॉज में आ गया एप्लास्टिक एनीमिया, ये हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया है ठीक है, और ल्यूकीमिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया, PNH, रेटिकुलोसाइट काउंट इज हाई इसमें, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी. इम्प्रेशन है पैनसाइटोपिनिया का, तो पैनसाइटोपिनिया मतलब एप्लास्टिक एनीमिया होगा ठीक है. पैनसाइटोपिनिया मतलब एप्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया होगा मतलब एप्लास्टिक एनीमिया, और रेटिकुलोसाइटोपिनिया भी ठीक है. तो इस पे कोई कमेंट कर ही नहीं सकते हो तुम, लाइक क्या बोलोगे. एनीमिया तुमको पता है मैक्रोसिटिक तो है बट एक सेकेंड, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक हो गया ना ये, एक सेकेंड या नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है एप्लास्टिक एनीमिया. सो इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो खुद से सोचना पड़ेगा. पैराक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया नहीं हो सकता क्योंकि रेटिकुलोसाइट काउंट इज हाई इन दैट, PNH तो नहीं है ठीक है. और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उतना हाई भी नहीं, MCV थोड़ा ही हाई है. सो इसको नॉर्मोसेटिक में ये लोग लेना चाहते हैं, तो पैनसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया इन सब में होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, आई थिंक दैट्स व्हाई ऐसे लिख दिया गया PNH, ल्यूकीमिया. एनी 32 ईयर ओल्ड फीमेल वेजिटेरियन पेशेंट, हीमोग्लोबिन थोड़ा का है, टोटल ल्यूकोसाइट थोड़ा का, प्लेटलेट काउंट तो ठीक ही है बट MCV हाई है. सो ओके, मैक्रोसिटिक तो है, MCHC इज ऑन द नॉर्मल ओनली, MCH इज आई थिंक नॉर्मल बट MCV इज हाई. सो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू B12 डेफिशिएंसी, इसको वो पेरिफेरल्स में शोज मैक्रोवेलोसाइट्स विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. अच्छा हाँ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होता है, यानी कि मतलब 5 सेगमेंट से ज़्यादा, ऐसा 3 से 5 होते हैं ना, तो लाइक 5 सेगमेंट्स एंड अबव. सो हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया टू B12 डेफिशिएंसी. सो पेरिफेरल्स मैक्रोवेलोसाइट्स विद हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. सो न्यूट्रोफिल्स हम लोग देख सकते हैं भाई कितने सेगमेंट्स है यार. सो वो न्यूट्रोफिल है, और बाकी RBC में भी हम लोग देख सकते हैं कि पैलर तो ठीक है, और साइज थोड़ा बड़ा है क्योंकि लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस से कंपेयर करेंगे, और तो बाकी ठीक ही लग रहा है कुछ खास. चलो ठीक है, मेगालोब्लास्टिक हो गया. मल्टीपल माइलोमा में क्या था, हाँ रूल ऑफ फॉर्मेशन, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में था ये पैपेनहाइमर बॉडी,
हवेल जोली कहाँ कहाँ है, स्प्लिनो स्प्लिनी स्प्लिनीमिया में, एस्प्लिनिया में और मैक्रोसिटिक और थैलेसीमिया में। और मैक्रोसिटिक थैलेसीमिया में कौन चीज़ था, आई थिंक क्या था, एक तो थैलेसीमिया में टारगेट था और कैबोटिन, कैबोटिन था डायग्नोस्टिक और थैलेसीमिया में। ठीक है, सिस्टोसाइट्स के हेलमेट सेल्स हो गए, माइक्रोएनजाइमेटिक हीमोलाइटिक एनीमिया जैसे कि एच यू एस और टी टी पी और डी आई सी। डी आई सी का फुल फॉर्म क्या है, डिसमिनेटेड इंट्रा वास्कुलर कोएगुलेशन प्रोस्थेटिक कार्डियक वाल्स और मैकेनिकल डिसरप्शन ऑफ आर बी सीज, ये सब हो गया सिस्टोसाइट्स। फिर टारगेट सेल्स में हो गया थैलेसीमिया, लिवर डिजीज और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आई थिंक दैट्स इट, दैट्स इट।